यदि नरसिंह आनंद सरस्वती ने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की है, जिससे करोड़ों मुस्लिम समाज के दिल को ठेस पहुंची है। इसके पहले भी यति नरसिंह आनंद सरस्वती ने कई बार इस्लाम धर्म के खिलाफ बयान दिया है और वीडियो वायरल होते रहे। इस मुद्दे पे नागपुर शहर जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में नागपुर डिस्ट्रिक्ट जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और यति नरसिंह आनंद पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। वसीम खान ने कहा कि ऐसे नफरत की भावना रखने वाले लोग भारत की अखंडता के लिए खतरा है, इस प्रकार के भाषण व टिप्पणियां करने वालों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। निवेदन देते हुए युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान ने जिला अधिकारी के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग की कि वे यति आनंद जल्द से जल्द माफीनामा पेश करे व इसके विरोध सख्त से सख्त तत्काल कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम, फिरोज खान, सरफराज खान, आमिर रजा, जिशान खान आदि मौजूद थे। आज का हमारा ये निवेदन हम नागपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री रविंद्र ठाकरे साहब को सौंपने आए हैं, जो 2 तारीख की रात को एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यति नरसिंह आनंद नामक व्यक्ति जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हमारे प्रोफेसर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में अब्यूज सी बातें और बहुत सी उनके शान में गुस्ताखी किया जो कि बर्दाश्त के बाहर है, तो हमने आज ये निवेदन नागपुर यूथ कांग्रेस व और भी कमेटियों के तरफ से कलेक्टर साहब को दिया है। ये कलेक्टर साहब ने हमको बोला है कि ये हम कॉपी सीएम को और पीएमओ को देंगे पीएमओ ऑफिस में, और इस पर हमने डिमांड की है कि इन पर इमीडिएट एक्शन लिया जाए और ये अपोलॉजी करना चाहिए यति नरसिंह आनंद को, और आगे से ऐसी जो भी असामाजिक तत्व जो ये अपराध फैलाने का काम कर रहे हैं और ये जो आपसी में लड़ाई करवाने का काम कर रहे हैं इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और पीएम की तरफ से एक इनके खिलाफ एक कानून बनना चाहिए कि आगे से ये ऐसा कुछ ना करे, बस इसी का निवेदन देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पीसीएन न्यूज़ के लिए क्षितिजा देशमुख रिपोर्ट।